हेलो एंड वेलकम टू माय किचन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हम बना रहे हैं आज पनीर की भुर्जी। चाहे आपको लग रहा होगा कि आम सी चीज़ है, पर कई बच्चे कुकिंग सीखना चाहते हैं या फिर कोई बैचलर है, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ये ली कढ़ाई और देसी घी। पनीर की जो भुर्जी है ना, वो हमेशा ही देसी घी में ही अच्छी लगती है। तो ये हमने घी गर्म होना रख दिया और डाला जीरा। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जीरे को। और उसके बाद मैंने काटा हुए हैं मसाले, लाइक जिंजर है मेरे पास, मैंने जिंजर काटी हुई है, यानी कि अदरक और लहसुन है, हरी मिर्च है। इन सबको अच्छे से कर लेंगे हम रोस्ट। ये देखिए, हम इसको अच्छे से भून लेंगे इन चीज़ों को। तो मैं बोल रही थी कि ये चीज़ें कई बार कॉमन कुकिंग भी सभी के बहुत यूज़ की होती है, तो आई थॉट आई शुड मेक वीडियो। मुझे कई जनों ने कहा भी कि आप नॉर्मल वीडियो भी डाल सकते हो, अगर सब्ज़ी वगैरह है तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। आई होप दिस विल बी यूज़फुल। तो प्याज डाला, अच्छे से प्याज को भी करा ब्राउन। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होता है तो मैंने इसमें डाला नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, सब कुछ हम डाल देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। ये तो मैंने जो पनीर है ना, जैसे हम मक्खन निकालते हैं तो उसका जो दूध बच जाता है, अगर आपका जो मक्खन आप निकालते हैं तो बहुत ही फ्रेश मलाई का निकाल रहे हैं, तो ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं दो कटे हुए, आप पीस के भी डाल सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि जो मक्खन होता है ना, अगर हम फ्रेश से मलाई का निकाल रहे हैं तो उसका जो दूध बचता है, नीचे छाछ बचता है, उसकी ये पनीर मैंने बनाई थी। तो ये देखिए, इतना सारा पनीर निकल आया था। तो इस तरह से मैंने डाला पनीर और इसको अच्छे से मैश कर देंगे इसमें, क्योंकि इसमें से हमने मक्खन वगैरह जो है निकाल रखा है, तो थोड़ा सा ये पनीर हार्श हो जाता है। तो उसके लिए मैं मलाई का एक चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि इसका जो है अच्छा वही पनीर वाला रिच सा फ्लेवर आता रहे। अदरवाइज़ भी आप पनीर जो भुर्जी है वो बनाते हुए अगर बाय चांस कहीं दही या फिर मलाई डाल देते हैं ना, तो टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये कई बार हम सोचते नहीं हैं कि इन चीज़ों से भी टेस्ट बढ़ सकता है, बट डेफिनेटली इससे टेस्ट बढ़ जाता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये मैंने डाली मलाई दो चम्मच। तो मज़े से इसको हिलाइए, तब तक इसको पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ जाए, क्योंकि कच्ची मलाई या कच्ची दही बहुत ही बुरा सा टेस्ट देंगी, तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे इसको, और इसका दाना भी थोड़ा सा ज़्यादा, पनीर के जो टुकड़े हैं वो बचे नहीं। तो ये देखिए, मैंने कर लिया गैस तेज़, क्योंकि मलाई का जो है ना वो थोड़ा सा दूध सूख जाए ताकि। तो ये मैंने डाला ऊपर से धनिया, गार्निश कर दिया इसको, हल्का सा हिलाया, और ये करा सर्व चपाती के साथ, चावल के साथ, ब्रेड के साथ, किसी के साथ भी खाइए, मज़ेदार बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो लगी है यूज़फुल और आपके आई है किसी काम, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।